बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सेवइयां फलदार। उसके लिए सबसे पहले हमने रंग बिरंगी सेवइयां ली हैं, आप सादा भी ले सकते हैं मोटी सेवइयां, और उसको पानी में अच्छे से उबाल लिया है, नरम कर लिया है, और उसमें थोड़ी सी चीनी भी शामिल की है ताकि इसमें भी थोड़ी सी मिठास आ जाए, और फिर उसको अच्छी तरह छान लिया है, ऊपर से पानी उतार लिया ताकि ये लैदा लैदा हो जाए। ये इसके अलावा हमने तुख मलंगा जो है वो 15-20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था, ये फूल गया है, ये देखिए फूला हुआ। और इसके अलावा हमें चाहिए सुरख शरबत, कोई भी समरकंद हो या रू अफज़ा ले लें, जो मर्जी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो। और ये है कुल्फ़ा आइसक्रीम, ये हमने ख़ुद बनाई है, और इसकी जो रेसिपी है वो आप मेरी पहली वीडियोस में देख सकते हैं। रात को हमने जो बनाई थी और अब हम ये हम जो है सर्व करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप आइसक्रीम डालें, उसके बाद फलूदे की सेवइयां डालें, उसके बाद आप तुख मलंगा डालें, उसके बाद आप इस पर सुरख शरबत डाल दें। ये हमारा बहुत ही मज़े का फल तैयार हो गया है, वो फलूदा तैयार हो गया। और अभी और भी हम आपको अब दूसरी सर्विंग में हम डाल रहे हैं ग्लास में। इसमें कुल्फ़ा आइसक्रीम ही अच्छी लगती है, आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छी इसमें कुल्फ़ा आइसक्रीम ही लगती है। सेवइयां डालें, उसके ऊपर तुख मलंगा डालें, उसके ऊपर शरबत डालें, फिर इसके ऊपर आइसक्रीम डालें और सेवइयां, ये हमारा ऊपर आइसक्रीम डाल दें, थोड़ी सी सुनिए थोड़ा सा
ये देखिए हमारा बहुत ही मज़े का फलूदा तैयार है, सोया फलूदा। आप भी बनाएं और फिर शेयर करें हमारे साथ कि आपको कैसा लगा, कमेंट में बताएं और सबको शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसके साथ ही मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।